रिसेंटली जैसे हम सबको पता है कि भारत सरकार ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को थोड़ा मॉडिफाई किया था, और जितने भी हमारे सिटीजन हैं पूरे कंट्री के, इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश के और हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी, उनको अनुमति मिला था फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में चेंजेस करके, कि 13 से 15 अगस्त तक वो लोग अपने घरों के ऊपर जो है फ्लैग फहरा सकते हैं ना, होइस्ट कर सकते हैं। तो वो अभी 15 तारीख को 2 दिन हो गए निकले हुए, तो अभी जो फ्लैग को एक सही तरीके से डिस्पोजल भी करना होता है ना, क्योंकि फ्लैग कोड का बड़ा महत्व है हमारे कंट्री में। इस फ्लैग के लिए लोग अपना जान देते हैं, इतना सेवा करते हैं, तो उसके लिए, इसका सम्मान करने के लिए एक कोड बनाया हुआ है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया उसको बोलते हैं। तो उसके अंदर जो व्हीकल्स पर भी अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग फ्लैग लगा के घूम रहे हैं, तो उस कोड के हिसाब से, जो भारत सरकार का कानून है उसके हिसाब से, बहुत कम डिग्निटरीज को ही फ्लैग लगाने का दिया गया है अधिकार। तो उसमें जैसे कि माननीय राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्य में गवर्नर साहब होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, सीएम साहब होते हैं, और हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इन लोगों को ही लगाने का दिया अधिकार गया है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है, पर उसको भी राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग लगाने का अधिकार नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। तो इतना बड़ा इसका महत्व है। तो अभी लोग लगा के घूम रहे हैं, तो अभी उसका जो ड्यूरेशन है वो ख़त्म हो चुका है, तो उसको देखते हुए अभी फ्लैग को अच्छे तरीके से फुल डिग्निटी के साथ हमको डिस्पोज करना चाहिए। तो उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा पापुम पारे, उसने इनिशिएटिव लिया है कि जो फ्लैग हमने डिस्ट्रीब्यूट किए लोगों को, वो जो यूज़ हुए हैं या अनयूज्ड फ्लैग हैं, उनको वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कॉम्प्लेक्स में आके सबमिट कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे सर्कल ऑफिसर्स के ऑफिस हैं, ईएसी हैं, एसडीओ हैं, एडीसी, और हमारा डीसी ऑफिस खुद भी, इसमें जो भी आपको उचित लगता है, जो भी आपके सहूलियत के हिसाब से पास है, वहाँ पर आके आप अपना फ्लैग सही तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं। उसके बाद हम ये सारे फ्लैग को इकट्ठा करेंगे और उसका सही राष्ट्रीय सम्मान करते हुए उसको अच्छे तरीके से डिग्निफाइड वे में हम उसको डिस्पोज करेंगे। उसको डिस्पोज करने के लिए कानून में 2 प्रावधान किए गए हैं। उसके लिए डिग्निफाइड तरीके से, एक तो उसको हम लोग सही तरीके से बर्न कर सकते हैं, और दूसरा है उसको ज़मीन में बरी कर सकते हैं, ज़मीन में दफना सकते हैं। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है कि हम उसको सही तरीके से दफनाएंगे, बरी करेंगे। तो उसके लिए एक लकड़ी का बॉक्स बनाया जाएगा, और उसके अंदर हम सारे फ्लैग्स को रखेंगे सही तरीके से, और उसके बाद उसको उचित गहराई में, डेप्थ में दफन किया जाएगा, बरी किया जाएगा। इससे जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको जो ड्यू रेस्पेक्ट मिलना चाहिए और मिलता रहेगा, ऐसी मेरी कामना है, वो हम लोग दे पाएंगे। अभी इसमें हम लोग तो कर ही रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बाकी लोग अपने आप भी कर सकते हैं। इसका जो डिस्पोजल का प्रोसेस है, मैं अपने स्टाफ की एक मदद लेते हुए आप लोग को बताऊँगा कि कैसे इसको हम लोग सही तरीके से कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमारा नेशनल फ्लैग होता है, इसको फोल्ड करके और अच्छे से डिस्पोज करने का एक तरीका बताया गया है। तो सबसे पहले हमको ग्रीन कलर को नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, और फिर ऑरेंज कलर को उसके अंदर लाना है। उसके बाद क्या है कि इसको सीधा करके हम लोग को जो अपना ये चक्र है, सौ चक्र जिसको बोलते हैं, उसके आसपास का एरिया लेते हुए उसको अच्छे से फोल्ड करना है। उसमें थोड़ा ऑरेंज कलर भी दिखना चाहिए, और इस तरीके से हमको उसको 2 हाथ में लेना है, और इसको किसी वुडन बॉक्स में अंदर रखना है, और उसको फिर जमीन में बरी करना है। अगर हमको इसको फायर में भी डिस्पोज करना है, तो फ्लैग को ओपन करके बर्न नहीं करना है, उसको भी इसी तरीके से रख के फायर के सेंटर, मिड ऑफ द फायर में हमको उसको बर्न करने के लिए डालना है इस तरीके से। और जो राष्ट्रीय सम्मान है कि जब हम ऐसा करेंगे तो 2 मिनट का अपने राष्ट्र, क्योंकि हम एक अपने देश का झंडा डिस्पोज कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना ओवर हमने प्रोड्यूस कर दिया है, तो उसको बाकी जगह कि वो कहीं कूड़े में ना गिरे या किसी रोड पर ऐसे ही ना गिरे, तो इसके लिए हम लोग उसको सही तरीके से डिस्पोज करना है। लेट्स होप कि जितने भी हमारे पापुम पारे के रेसिडेंट हैं, सिटीजन्स हैं, वो उसको अच्छे तरीके से डिस्पोज करने में डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का साथ देंगे। धन्यवाद।